मोहतरम इफ्तिखार अहमद साहब मरहूम अल्लाह ताला मरीज रहमत करे वो जिसारत के मुंतजिम आला थे और उन्होंने अथर हाशमी साहब का नाम दिया कि अथर हाशमी साहब अभी उम्मत में होते हैं लेकिन उनसे बातचीत करके उन्हें जिसारत में लाया जा सकता। मैंने सहाफत में कुछ दोस्तों से पता किया कि ये अथर हाशमी साहब कैसे आदमी है, जिसारत कैसा चला सकेंगे। एक नजरियाती अखबार है, एक मुख्तलिफ अपने अंदर खसूसियात रखता है। मुझे जितने सहाफी दोस्तों से मिलने का मौका मिला उन्होंने कहा कि एडिटर के लिए आइडियल आदमी अथर हाशमी होता है, इसलिए कि वो सिखाने वाले आदमी है। जिसारत वैसे भी एक नर्सरी है। फिर बात की और कहा कि अथर हाशमी साहब से चल के मिलते हैं। मैंने इफ्तिखार साहब से पूछा कि हाशमी साहब को लाने की कोशिश कर रहे हैं पता तो कर रहे हैं कि उम्मत में क्या मुशायरा है, क्या वजीफा है वहां दे रहे हैं, हम यहां क्या वजीफा उनको दे सकेंगे। हम दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और सोच ये रहे थे कि जो कुछ भी हम दे सकते थे वो कम वसायल की वजह से इस काबिल नहीं था कि एक इतनी बड़ी शख्सियत और एक इतनी अहम हस्ती को हम अपने अखबार में। लेकिन हमने कहा कि चले हाशमी साहब के पास मिलने चलते हैं, यही पुलिस थाने गौहर के एक फ्लैट में वो रहते थे, हम वहां मिलने पहुंच गए। हाशमी साहब से बातचीत हुई, अच्छी बातचीत रही। हमने उनसे दरख्वास्त की कि हम चाहते हैं कि आप जिसारत एडिटर की हैसियत से ज्वाइन करें और मैंने डरते डरते वो मुशायरा जो हमारे जहन में था वो भी उन्हें बताया कि हम शायद ये आपकी खिदमत कर सकेंगे। वो बंदे खुदा ऐसा था कि उसने उसके ऊपर कोई दूसरी बात नहीं की, मुझसे कहा कि अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूं। जब फारूकी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने सबकी मुशायरे में इजाफे के लिए दरख्वास्त दी लेकिन वही शायद वो उस मौके पर हमसे कोई बातचीत करके कि नहीं इतना नहीं इतना तो इसलिए वो सहाफत कि जिसके ऊपर कई तरफ से वार भी है वो सहाफत नजीर हाशमी साहब का शुक्रगुजार हूं, मौलाना जफर अली खान का तस्करा किया है, असद मोहानी का तस्करा किया है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा किया है। तो सच्ची बात है कि इस कबील का अगर कोई फर्द आपने अपनी आंखों से देखा है तो वो अथर हाशमी। और जब सहाफत जर्द सहाफत सुर्ख सहाफत गुलाबी सहाफत, लेकिन इस दौर के अंदर अगर कोई बेबाक सहाफत रही है तो अथर हाशमी सहाफत रही। दारा उस सिकंदर से वो मर्द फकीर उला, वो जिसकी फकीरी में हुए असदुल्ला दिलों पर राज करने वाला।